नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लस ब्लॉग बहुधाने.blogspot.com में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम HTET PGT कंप्यूटर टीचर एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सभी अपकमिंग नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगी। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, इसमें जो 10-12 क्वेश्चंस हम अपनी हर एक वीडियो में डालते हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसके बीच में जो हमने कवर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम MS ऑफिस सूट। तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एसेस, MS फॉक्स प्रो और एक्ल MS फाइल मेकर। तो इसका आंसर ए है, माइक्रोसॉफ्ट असेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोसेस अरेंज द डाटा इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। कौन सा प्रोसेस डाटा को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करता है? डाटा सॉर्टिंग, डाटा समराइजिंग, डाटा रिडंडेंसी, डाटा स्टोरिंग। तो डाटा सॉर्टिंग इसका आंसर है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जो हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी वो इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज की होती थी, जिससे हमें किसी भी डाटा को ढूंढने में दिक्कत नहीं आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द टर्म विच इज़ यूज टू गेट द सिनॉप्सिस ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। डाटा सॉर्टिंग, डाटा समराइजिंग, डाटा रिबंडिंग, डाटा स्टोरिंग। तो इसका आंसर डाटा समराइजिंग है। इसका एग्जाम्पल दूँ तो मैं, जैसे कि मॉल में पूरे दिन में कितनी चीज़ें बिक रही हैं, उनकी एनुअली टर्नओवर कितना है, मंथली टर्नओवर कितना है, कितना सामान बिक चुका है और कितना रिमेनिंग रह गया है, उसकी एक सिनॉप्सिस तैयार की जाती है डाटा समराइजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, विच की इज़ यूज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस टेबल। कौन सा की यूज़ किया जाता है यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड? किसी डाटाबेस में किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिकॉर्ड के लिए जो एक पर्टिकुलर की यूज़ है वो कौन सा है? वो है प्राइमरी की। ये सबके लिए यूनिक होता है, यानी सबके लिए एक होता है, बाकी कोई भी डिटेल आगे पीछे सेम हो सकती है, बट जो प्राइमरी की होगा वो सबके लिए अलग अलग एक एक होगा। नहीं देखते हैं, व्हाट इज़ एक्सटेंशन ऑफ अ डाटाबेस फाइल इन MS ऑफिस एक्सेस। तो वो है .acctb। सेकेंड नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ डाटाबेस स्टोर ऑल द डाटा इन अ सिंगल टेबल। विच टाइप ऑफ डाटाबेस स्टोर ऑल द डाटा इन अ सिंगल टेबल, तो वो है MS Excel इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ डाटाबेस आर एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है रिलेशनल डाटाबेस का? ऑप्शन है MS Excel, Fox Pro, MS SS, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है MS SS। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट IDs दे रखी हैं, फर्स्ट नेम दे रखा है, लास्ट नेम दे रखा है, कोर्स का कोड दे रखा है। तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। ऑप्शन है स्टूडेंट ID, फर्स्ट नेम, कोर्स ID, लास्ट नेम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है स्टूडेंट ID। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग है, बाकी नाम तो किसी के सेम हो भी सकते हैं, और कोर्स ID तो आपको दिख रहा होगा C002, C002, ये डुप्लीकेट यूज़ हो रखा है, तो ये नहीं हो सकता। तो जो स्टूडेंट ID है वो इसमें प्राइमरी की है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ की यूज इन दिस डायग्राम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क में कौन सी की यूज की गई है? तो ऑप्शन है कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरन की। तो इसमें जो यूज़ की गई है वो फॉरन की यूज़ की गई है। इसमें क्या है, जो प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस फॉरन की के द्वारा दिखाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स ऑक्यूपाई डैश बाइट इन द मेमोरी। मेमोरी में पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बी है, 2 bytes करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 8-10 क्वेश्चन आप सभी के सामने हमने रखे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपका कोई सुझाव भी है तो आप अपनी फीडबैक वगैरह हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं।
अभी के लिए इतना ही है, कुछ और नया और इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे। धन्यवाद।